नीलकंठ धाम में अवैध बहुमंजिला इमारत का निर्माण लगातार जारी है, जबकि मामले में डीएम पौड़ी ने निर्माण कार्य रुकवाकर 15 दिन के अंदर एसडीएम यमकेश्वर को जांच करने के आदेश दिए थे, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहने से प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिल्डर महानंद शर्मा ने निर्माणाधीन भवन की रजिस्ट्री अपने नाम 7 अप्रैल को कोटद्वार सब रजिस्ट्रार के यहाँ करवाई, लेकिन रजिस्ट्री में निर्माणाधीन भवन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। बिल्डर ने मात्र प्लेन भूमि दिखाकर इसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, जबकि मौके पर 7 मंजिला भवन खड़ा है, जिससे सरकार को लाखों के स्टैंप के राजस्व का भी नुकसान हुआ है। यह निर्माण पूर्ण रूप से अवैध है। इसमें 3 मंजिल से ऊपर वहां जो निर्माण नहीं हो सकता है, और वहां पर मैं समझता हूं कि ये अधिकारियों की मिली भगत के कारण जो 8 मंजिला भवन बन रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है कि प्रशासन हर समय हर संभव ये बोलता है कि मैं ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। 20 मीटर के दायरे में खुलेआम, मतलब जिसको हम बोले कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और जनता देख रही है, प्रशासन देख रहा है, उसके बाद भी हम धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। 8 मंजिल का निर्माण हो चुका है और प्रशासन मौन की नींद सो रखा है। नीलकंठ में अवैध निर्माण के मामले में अब एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर बिल्डर ने 7 मंजिला भवन बनाने के बाद रजिस्ट्री अपने नाम कर ली है, लेकिन उसमें निर्माणाधीन भवन को न दिखाकर जमीन को प्लेन दिखाया है, जिससे सरकार को लाखों का चूना लगा है। जबकि भाजपा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं कुछ अधिकारी बिल्डर को सह देकर भाजपा के इस प्रयास को विफल करने में लगे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? प्रमोद नौटियाल, समाचार प्लस, ऋषिकेश।